दोस्तों मिली बग का अटैक आपके पौधे पे बराबर लगता है और ख़ासतौर से गुड़हल के पौधे पे ज़्यादा लगता है। बहुत पसंदीदा रोग है गुड़हल का मिली बग। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मिली बग को आप तुरंत ख़त्म कर सकते हैं और जानते भी होंगे ख़त्म करने का तरीका, लेकिन उसमें कुछ आप गलतियाँ करते हैं उसके वजह से जो मिली बग है, मिली बग तो ख़त्म नहीं हो पाता है। आइए आपको बताते हैं कि मिली बग को जो ख़त्म करने के लिए जो गलतियाँ क्या करते हैं उसको आपको सुधारना है, और सुधारने के बाद दोस्तों ये जो मिली बग का अटैक है बिल्कुल आपके गार्डन से ख़त्म हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर, अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज हो तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दीजिए। आइए आपको बताते हैं कि मिलीबग को खत्म करने के लिए कौन कौन आपको घरेलू उपाय से उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा दें, देखिए ये गुड़हल का पौधा है और गुड़हल के पौधे पर देख सकते हैं आप ध्यान से देखिए, देखिए ये मिलीबग का अटैक ये शुरू हो गया है। दोस्तों हम हमेशा इस पर नीम ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन देखिए फिर भी उसके बावजूद भी देखिए अब ये मिलीबग यहाँ पे ये शुरू हो गया। 15-20 दिन हो गया नीम ऑयल का स्प्रे करते हुए, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे मिलीबग यहाँ पे अटैक हो गया, और यहाँ पे देखेंगे देखिए यहाँ पे अटैक हो गया। और इसी को अगर हम दोस्तों ख़त्म नहीं करेंगे तो होगा क्या कि ये तेज़ी से बढ़ जाएंगे और बढ़ने के साथ पूरे पौधे में आपके ये फैल जाएंगे। तो खास तौर से तो गुड़हल में जब ये मिलीबग लगते हैं ना तो पूरा दोस्तों ये जो आपका स्टेम है ये पूरे स्टेम को सुखा डालते हैं, और इसमें जो बड्स बनते हैं दोस्तों देखिए जो बड्स ये बन रहा है, बड्स बनते हैं दोस्तों, ये बड्स बनेंगे नहीं और बड्स आ भी जाएंगे दोस्तों ये बड्स अच्छे तरीके से खिलेंगे नहीं। होता क्या दोस्तों कि जब ये मिलीबग लगते हैं तो फिर चींटियाँ यहाँ पे आना शुरू होती है, और जब दोस्तों जब चींटियाँ आना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आपके पौधे के पूरा ये नुकसान पहुँचा देती है। तो हम आपको बताते हैं कैसे इसको ख़त्म करना। दोस्तों सबसे पहला तरीका और सिंपल और फ्री का आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी अटैक आ चुका है, ध्यान से देखेंगे देखिए यहाँ पे इसका अटैक यहाँ पे आ गया है। और दोस्तों अभी इसका शुरुआत है, अगर इसको तुरंत ख़त्म कर देंगे तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है इसको फ्री में ख़त्म करने के लिए। दोस्तों होता क्या है कि हमको तो पता होता है कि इस पर जो मिलीबग लग गया है इसका हम पानी का स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने से दोस्तों ये मिलीबग ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों स्प्रे कैसे करते हैं देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए इस पौधे में लगा हुआ मिलीबग है तो इस पौधे को दोस्तों करना क्या, इस तरीके से आपको झुका लेना है, और देखिए झुका लेना है, और झुकाने के बाद करना क्या है कि देखिए यहाँ पर एक आप ले लीजिए कोई टब, ये आपको ध्यान रहे, देखिए यही गलती लोग करते हैं, देखिए इस तरीके से हम इस कर लिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ये जो टब है, देखिए इस टब में दोस्तों स्प्रे करना है पानी का, और देखिए मात्र केवल सिंपल पानी का हम स्प्रे कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम सिंपल केवल पानी का स्प्रे कर रहे हैं, कुछ इसमें हम लिए नहीं है। देखिए इस तरीके से अब इस पर तेज धार से स्प्रे करेंगे, देखिए मिलीबग है यहाँ पर ये नीचे गिर जाएगा टब में, देखिए एक अटैक यहाँ भी है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ पौधे पर लगा रहेगा देखिए इस तरीके से, अब उसको करना क्या है दोस्तों, जो ये पानी है देखिए इस पानी को आपको दूर फेंक देना है, आपको ध्यान रहे ये दोस्तों ये सावधानी आप करेंगे तो हम आपको बताएं कि आपके पौधे पे मिलीबग बिल्कुल नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने ये पानी का इस पर स्प्रे कर दिया और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों एक सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं जो घरेलू यूज करते होंगे तो आपको पता होगा, देख रहे हैं ये शैम्पू है दोस्तों, इसका अगर यूज करते हैं तो ये जो मैं बता दूं आपको कि जो मिलीबग इससे भी ख़त्म हो जाते हैं। कैसे इसको यूज करना होता है, जैसे देखिए आप अगर एक लीटर पानी लेते हैं तो एक लीटर पानी में दोस्तों करना क्या है, एक पैकेट आप ले लीजिए इसको, ये एक रुपया का माल दोस्तों मिलेगा आपको, और एक पैकेट लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से इसमें घोल लीजिए, और इसके साथ साथ में आपको करना क्या है देखिए दूसरा चीज़ आपको लेना है इसमें डिशवाश दोस्तों इसमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम शैम्पू का यूज कर रहे हैं तो, या अगर आपके पास डिशवाश नहीं है तो कोई आयल ले लीजिए, ये देखिए हम एक ही ml इसमें ले लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको हम ये घोल लेते हैं, देखिए इसको हम मिक्स कर दिए। दोस्तों जो पानी का स्प्रे मैंने किया था, ये पानी का स्प्रे करने के बाद दोबारा इसको यूज करिएगा आप, ये आपको ध्यान रहे। दोस्तों ऐसा ये होता है कि पानी के स्प्रे से जो मिलीबग है, मिलीबग यहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद
आप शैम्पू का यूज करिएगा तो रिस्पांस आपको ये मिलेगा कि मिलीबग दोस्तों आपके पौधे में बिल्कुल नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रहे। फिर इसको अच्छे तरीके से इसका छिड़काव करिए। उसके बाद एक काम आपको ये करना है कि आज इसका छिड़काव इस पर कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट दो दिन बाद तीसरे दिन इसका दोबारा इसका शैम्पू का इस पर यूज कर दिया करिए। उसके बाद देखेंगे जो मिलीबग है, मिलीबग दोस्तों बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा इसका उपाय क्या है मिलीबग को ख़त्म करने के लिए, तीसरा इसका उपाय है दोस्तों नीम ऑयल। जो सिंपल तरीका आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल ये बहुत बेहतरीन दोस्तों मिलीबग के ऊपर काम करता है। नीम ऑयल को अगर बराबर आप हर 10 दिन पे 15 दिन पे यूज करते हैं तो मिलीबग आपके गुड़हल के पौधे में या किसी भी पौधे में आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक लीटर पानी में 10 ml लेते हैं मिल ले लीजिए नीम ऑयल, या एक लीटर पानी में 5 ml ले लीजिए, 5 ml लेने के बाद छिड़काव कर दीजिए, रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ तक कि नीम ऑयल के अलावा अगर नीम अर्क भी है दोस्तों, नीम अर्क कैसे बनाते हैं आई बटन पर लिंक ही जाके देख सकते हैं। नीम अर्क है, नीम अर्क को भी यूज करिए तो जो मिलीबग है मिलीबग बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको सावधानी बताया वो सावधानी अगर बरतेंगे आप तो जो आपके पौधे में जो मिलीबग का अटैक है दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। होता क्या है कि हम पानी का स्प्रे तो इस पर करते हैं और स्प्रे जब ये करते हैं तो दोस्तों होता क्या है मिट्टी में आके जो मिलीबग गिर जाते हैं, और जब आप देख रहे हैं मिट्टी में जब मिलीबग गिरते हैं तो दोस्तों होता क्या है जो चींटियाँ होती हैं चींटियाँ फिर आती हैं और उसे उठा के लेके चली जाती हैं और फिर से आपके पौधे पर ये मिलीबग का अटैक शुरू होता है। आपको ये ध्यान रहे कि डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बाहर लेकर फेंक देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।